हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोग का स्वागत है। और आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा अंडा मसाला। अंडा कढ़ी तो बहुत खा ली, अब खाएंगे अंडा मसाला। और अंडा मसाला बनाने के लिए पहले चलते हैं मेरी किचन में। और ये मैंने अंडे को पहले से उबाल रखा है। ये मैंने यहाँ पे 7 अंडे लिए थे, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और अंडों के साथ डालेंगे 2-4 आलू, अगर आपको जितनी मर्जी उतना डालो, ऑप्शनल है। अगर नहीं डालना चाहते हो तो मत डालो, कोई परेशानी नहीं है। और थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक। और अंडों को और आलूओं को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इनसे अच्छा सा एक कलर भी आ जाता है और देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। जब बन के तैयार होते हैं ना तो बड़े अच्छे लगते हैं और टेस्टी तो लगते ही लगते हैं। अब बनाने के लिए यहाँ पे मैं डाल लूँ मस्टर्ड ऑयल, आप अपने पसंद से कुछ भी ऑयल डाल सकते हो। और ये सारा हम कर लेंगे फ्राई। और इसको हमने एकदम हाई फ्लेम पर फ्राई करना है और फ्राई करते हुए अच्छा सा एक कलर देते हुए निकाल लेना है। और ये हमारे फ्राई हो गए, अब निकालते हैं। और यहाँ पे कुछ साबुत मसाले हैं, जीरा, धनिया और है तेजपत्ता, है लौंग, इलायची। और अब हमने कढ़ाई में तेल ले रखा है। सबसे पहले साबुत मसाले डालेंगे और इसको हल्का सा रंग लाने देंगे। हल्का सा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। आप ये देख सकते हो मैंने हल्का सा कलर दिया है। अब यहाँ पर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 2 चम्मच था। और अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा, क्योंकि एकदम हम इसको सूखा सूखा सा बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है और थोड़ा तेज़ भी बनता है इस तरीके से। और अब हम यहाँ डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाले थे, बारीक कटे हुए, और इनको फ्राई करेंगे। जब ऐसी कोई भी चीज़ बनाते हैं ना तो मसालों को फ्राई करना, प्याज टमाटर को फ्राई करना, अच्छी तरीके से भुनाई करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये देखिए, बातें करते करते मेरा प्याज भी भुन गया। और अब हम डालते हैं इसमें टमाटर, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, चॉप करके डाला हुआ है। और इनको भी अच्छी तरीके से भूनेंगे। भूनने से ये होता है कि कलर तो बहुत अच्छा सा आता ही है, खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और अब जाएंगे सूखा मसाला इसमें, और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और थोड़ी सी जाएगी इसमें हल्दी, और आप मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, और नमक भी अपने हिसाब से, जितना आप खाना चाहते हो उतना डालो। और ये थोड़ा सा डाला गर्म मसाला इसमें, और देखिए सारे मसाले जाएंगे। और अगर हमें यहाँ लगता है कि हमारे मसाले जल जाएंगे तो हम थोड़ा सा पानी डालते हुए मसालों को अच्छी तरीके से भुनेंगे। भुनाई बहुत ज़रूरी है मसालों की, तो हल्का सा पानी डाला और हम भुनेंगे अपने मसालों को। ये देखिए अब मसाला भी धीरे धीरे आराम से भुन जाएगा। 2 से 4 मिनट लगते हैं, 2 से 4 मिनट में मज़ेदार सा मसाला भून के तैयार हो जाता है। और जो रेसिपी का जो सारा टेस्ट और मज़ा है ना, मसालों में है और भुनाई में है। और ये देखिए पानी डाल के मसाला भी भून के तैयार हो गया। और अब हम यहाँ पे डालेंगे इसमें थोड़ी सी दही। ये 1 कप दही थी, और रूम टेम्परेचर की दही। हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि दही रूम टेम्परेचर की लेनी है। और इसको गैस बंद करके डाल देंगे, फिर गैस को जला देंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर दही को भुनेंगे। और ये देखिए दही, बातें करते करते दही भी भुन गई, और देख रहे हैं कितना बढ़िया सा कलर आया है। और अब हम इसको थोड़ा सा भुनेंगे, और ये जो हमने आलू और अंडों को फ्राई करके रखा हुआ था ये डालेंगे। ये डाल करके 1 से 2 मिनट तक के लिए ऐसे ही हल्का सा भुनेंगे, क्योंकि मसाले भी भुने हुए हैं, अंडा आलू पहले से ही फ्राई है, और इनको अब बहुत ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ बना रही हूँ अंडा मसाला, तो मैंने 1 कप ही पानी डाला हुआ है। और ये गए फ्राई ओनियन, इससे ना बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। आप एक बार डाल के और इस तरीके से बना के देखना, आप अंडा कढ़ी खाना भूल जाओगे इस रेसिपी को बनाने के बाद। 5 मिनट के लिए पकाया और डाली 2 हरी मिर्चें, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डालो, नहीं डालना चाहो तो स्किप कर सकते हो। और 5 मिनट के बाद ये देखो जो मज़ेदार सी चीज़ बन के तैयार होती है ना, उसके तो क्या कहने, खाते खाते ना मज़ा आ जाएगा। मन तो नहीं भरेगा, पेट भी नहीं भरेगा, और मज़ा तो जो आएगा वो अलग ही आएगा। ये देखो कलर देख रहे हो, ये रेसिपी आपको कहीं बाहर भी नहीं मिलेगी, ऐसी रेसिपी है ये। और इसको करते हैं अब प्लेट, देखो रेसिपी का टेक्सचर देखो, और ये देखो, देखते देखते मुँह में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये बिल्कुल नई सी और अलग सी अंडा मसाला की रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। आप इसको पराठे, रोटी, नान, किसी चीज़ के भी साथ इन्जॉय कर सकते हो। और ये अलग सी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन को ऑल पे सेट करो। ऐसी नई नई रेसिपी लेके आप लोगों के लिए आती रहूँगी।